हाय गाइस, तो आपका स्वागत है एक एपिसोड में। आपके दोस्त एंड होस्ट आपके लिए एक और नई चीज लेकर आई हूँ। तो अगर आपके पास बासी रोटी या बासी पराठा जो कुछ भी हो तो आप उसे ले लीजिए और तोड़ लीजिए बारीक। मेरे पास थेपला था तो मैंने थेपले को बारीक तरीके से चूर भी सकते हैं या तो बारीक टुकड़े भी रख कर सकते। और उसके बाद ले लीजिए पालक थोड़ी सी, चेरी टमाटो, मटर, और उसके बाद कर लीजिए कढ़ाई को गरम। उसमें डाल लीजिए 1 टेबलस्पून तेल। तेल हो रहा है गरम, तो अब उसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ते का तड़का। जी हाँ गाइस, कड़ी पत्ता आप तड़कने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे राई, जीरा, आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं पर मैंने हींग नहीं डाली। उसके बाद हम इसमें प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद इसे हमें अच्छी तरीके से ऊपर नीचे हिला लेना है। और इसमें हम मटर डाल देंगे। जी हाँ गाइस, मटर, और उसे भी हम अच्छे से हिला के पकाने के लिए इसमें छोड़ देंगे पकने के लिए। और इसे भी हम पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। ये बहुत जल्दी पक जाती है मटर, तो तेल में भी हम फ्राई करेंगे तो ये हो जाएंगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से ये पक चुका है, ब्राउन हो चुका है प्याज। और हमने कहा था हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब आपके हिसाब से नमक लीजिए गाइस। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, और इसके हम नीचे ऊपर हिला लेंगे। और हिलाने के बाद हम इसे पकाएंगे थोड़ा सा, इस हल्दी को भी और इसे भी। और उसमें हम अब डालेंगे चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो अगर आपके पास ना हो तो आप जो सिंपल टमाटर आता है वो भी काट के डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे। मेरे पास थोड़ी सी पालक थी तो मैंने उसे अच्छे से बारीक काट लिया और उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसे भी मैं नीचे ऊपर करके इसे भी मैं हिलाकर अच्छी तरीके से पका रही हूँ। और इसे मैं पकाते थोड़ा सा अच्छे से सोयाबीन भी डाल दूँगी। जी हाँ, सोया बड़ी भी कहते हैं इसे, और सोयाबीन भी कहते हैं हमारे यहाँ इसे, सोयाबीन कहते, तो सोयाबीन में डाल दूँगी। और उसी में मैंने जो रोटी के टुकड़े करे थे, जो मैंने बताया था, आपके पास पराठा हो जो भी हो उसके टुकड़े कर लीजिए। और उसे भी हम नीचे ऊपर करके अच्छे से हिलाकर पकाएंगे। तो इसे हम पका रहे हैं तब तक, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पकेगा। पूरा पानी सूखने देना है और इसे तब तक पकाना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पक चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर ऊपर नीचे हिला रही हूँ और इसे मिक्स कर दे रही हूँ। और इसे थोड़ा सा पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद तक हमारा अच्छी तरीके से ये बची हुई रोटी का नाश्ता बन जाएगा। रेडी है हमारे बचे हुए रोटी।
रोटी का इतना टेस्टी नाश्ता आपने सोचा भी नहीं होगा। इसमें टमाटो है, सोयाबीन है, मटर है, पालक है, कड़ी पत्ता है, इसमें मतलब प्रोटीन की सारी चीज़ें है दोस्तों। और ये दिखने में भी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसमें खारू बहुत अमेजिंग बना है दोस्तों, ज़रूर से खाइए। मैं तो चली से खाने।